भाई इतनी दूर से चलते हुए, वैसे तो वहाँ पे जमुदीप वो दिखाई दे ही रहा है, हमने सोचा था काफी ज्यादा दूर होगा लेकिन इतना ज्यादा दूर है नहीं है। राहुल भी आराम से आ गया, हम भी झूला झूलते हुए आ गए और सामने ये लिखा प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर, तो ये पांडव का टीला है तो अभी ऊपर चलते हैं फिलहाल। लेकिन बंदर बहुत सारे हैं, राहुल से मैं थोड़ा अलग हट जाती हूँ, बार बार आधार कार्ड दिखाने की दिक्कत आ रही है। शक्तिपीठ मंदिर मेन मंदिर ये वाला है, इसमें माता का मंदिर है और इधर भैरव बाबा का वो मंदिर है और इधर हम काफी अभी काफी ऊपर हैं। दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं तो अभी जा रहे हैं नीचे। किस टाइम जब हम मम्मी और पापा के साथ आए थे ना तो हम उस साइड से आए थे, लेकिन अभी शॉर्टकट की तरफ से पीछे से भी बना दिए काफी सारे रास्ते, वरना तो हम जब स्कूल टाइम में थे वो नीचे से ही आए थे। तो अभी राहुल को वहीं लेके जाऊंगी, इनके साउंड बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी ये बोलते हैं साउंड बहुत अच्छा है। नंदी जी के कान में अपनी विश बोल दो और किसी को मत बताओ, तो वो पूरी कर देते हैं। तो दीदी अपनी विश बोलने जा रही हैं। A few moments later. One hour later. Two hours later. कुछ चलो बोलने दो, इन हमने सुनना, थोड़ा दूर जा रहा है, कहेंगे विश पूरी अधूरी रह जाए। भाई क्या है यहाँ पर, मारूं आपके कुछ ले गया तो, देखो ये विश मांगने जा रहा दिखे। ढोलू राम ढोलक बनते हुए जा रहे, बच्चों ने टोक दिया, ढोलक बनते हुए जा रहे। क्या करना, एक बैग उसको दो ना, वो लेके जा रही है फोन चला। लाल फंस जाएगा, तू तो फंस जाएगा। इधर इसके सामने एक धर्म संकट आ चुका है। ज्यादा नहीं है, तुम तो ऐसे निकल जाओगे। मैं तो बिना खोले भी निकल जाऊंगी इसको। यहाँ से ऊपर से आ चुके हैं और अब इसके बाद है ये वाला मंदिर, तो अब यहाँ के बारे में दिखाते हैं। कौरव और पांडवों का पूरा एक जगह है जहाँ पे वो कौरव और पांडव वहाँ पे जाके रहते थे। गाड़ी पे चढ़ रहे ना बंदर, तो यहाँ पे कौरव और पांडव जो थे यहीं ऊपर रहते थे और यहीं से ऊपर से वो इसलिए रहते थे कि ऊपर से वो आगे जाने का वहाँ पे रहते है ना। ये बात पूरी नहीं करने, ऊपर टीन सेट डाला हुआ है, ये मेरी बात पूरी नहीं करने देते। मैं ये बोल रही हूँ, बात पूरी क्या, वहाँ ऊपर महल था पहले, महल होगा डेस्ट होगा, वहाँ पे बस देखने के लिए बस एक प्रदर्शनी बना रखी है, टीन वीन डाल के। तो सारी एरिया में ये वाली जगह काफी ऊपर थी, तो वही ऊपर से वो देखते रहते थे कि नीचे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और वो यहाँ पे अपना विश्राम करते ही रहते थे। चलते अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। ये है वो शिव पांडव शिव मंदिर है ये वाला, और ये पेड़ काफी पुराना बताते हैं, बहुत टाइम से है ये वाला पेड़। शिव मंदिर काफी अच्छा है अंदर से, शिवलिंग भी मतलब काफी पुराना है। भैया ये शिवलिंग जब से ही है क्या? हाँ ये शिवलिंग जब से पांडव यहाँ पे रहते थे जब से शिवलिंग है, और ये पेड़ भी उन्हीं का बताते हैं, उन्हीं के टाइम का लगा हुआ पेड़ है ये। वैसे तो बहुत पहले जब भी देखा था और अभी भी देख रही है ऐसी का ऐसी, और ऐसा भी नहीं कि सूख चुका है, अभी भी इसमें काफी हरे भरा है, काफी अच्छा सीन है। और यहाँ पे और भी कुछ था ना भैया, शायद वो कोई टाइप में
हाँ हाँ वो किधर है? दो किलोमीटर आगे द्रौपदी घाट भी है, तो वहाँ पे भी खैर अभी तो नहीं जाएंगे, अभी तो मंदिर का ही दर्शन कर लिया, एक चक्कर लगा लेते हैं और फिर अभी चलते हैं। अभी यहाँ का दर्शन कंप्लीट हो चुका है, राहुल को बाहर छोड़ दिया है। ऐसे पुरानी और ना पुरानी और ऐसे ना स्थल पे आते ना एकदम पॉजिटिव वाइब से आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे हम ही खुद स्वर्ग लोक में आ गए। सारी दुनिया एक तरफ, ये बाबा की भक्ति अलग ही चल रही है शिव जी के साथ में, पूरा वो लगा के ना भभूति टाइप में लगा के सब कुछ, और अच्छी पूजा में एकदम लगे पड़े हैं। तो गाइस अभी ये वाला मंदिर भी कंप्लीट हो चुका है और अभी टाइम हो गया 4:30, और इसमें तो कुछ भी मतलब कहीं से कहीं तक भी नहीं पता चल रहा कि कोई आदमी घूम रहा है, चांस तो मुझे नहीं लग रहा है हम यहाँ पे जा पाएंगे। वैसे भी 4:30 बज चुके हैं, तो अब तो सीधा घर के लिए निकलते हैं क्योंकि 2 घंटे लगेंगे घर जाने में भी। फिलहाल अभी बस पकड़, अभी बस एक गोला और खाएंगे, अभी हमने खाया कुछ नहीं, अभी बाहर का कुछ नहीं खाया। क्या खाया? कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाए थे, वो तो हमें मजबूरी में खाना पड़ा था, मोबाइल चार्ज करने की वजह से खाना पड़ा था, वरना हमारा मन तो कुछ और ही खाने का था, तो हम अब वही खाएंगे सबसे पहले गोला। क्यों? चलो भैया। राहुल तुझे बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं? कोई तरह का ढोलक बोल रहा है, कह रहा है गन लेके घूम रहा है, स्टिक लेके जा रहा है, कह रहा है गन लेके घूम रहा है। भाई मार दे इसमें, गन मार दे एक। बंदूक दिखाई। ये लो मेन गेट खुल नहीं रहा, हम यहाँ खड़े डीएन का डीएन वाले साहब भैया ने कर दिया बंक वहां से, हमारा कॉलेज में था। खुल गया गेट, हो गई एंट्री, घुस गए घुसेंगे। मतलब कंफर्म करने के लिए, वैसे हम दोबारा आए हैं कि गोला खाने के लिए, अभी यहीं कहीं पे गोला 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 ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे गोला खा लेंगे, बट अभी कंफर्म करना है दोबारा से कि अंदर जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना देख के दिखाई दे रहा है खुद ही कि सिर्फ सारे लोग वहाँ खड़े हुए हैं, उंगली दिखाई दे रही है वहाँ, हम गेट में झांक रहे हैं ना, ऐसी वो वहाँ से झांक रहे, ऐसी वो वहाँ देख रहे हैं, बाकी अंदर नहीं जाने दे रहे, ऊपर वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा, मतलब हमको जाना है वहाँ पे, वहाँ कोई नहीं जाने दे रहा, तो कोई फायदा ही नहीं अंदर जाने का भी, इतना यहीं से देख लेते हैं जो भी व्यू वगैरह ये। चलो अब चलते हैं गोला खा के। अभी मम्मी का फोन आया, अभी मतलब मम्मी हम इतने देर से घर से गए हैं, 6 घंटे हो चुके, 6 या 7 घंटे हो चुके, मम्मी पूछ रही है, ओ मम्मी ये पूछ रही है फोन करके कि अब इनसे ये तो पूछो कि ये गए कहाँ, मतलब सुबह से हमारा इतना ज्यादा प्लान इधर उधर बिगड़ गया कि हमको जाना था दिल्ली, हम दिल्ली जाने वाले थे ट्रेड फेयर में, उसके बाद हमने सोचा टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो हम वहाँ जा नहीं पाए, और हमने सोचा चलो अब कहीं और चलते हैं, तो अचानक से मतलब हस्तिनापुर का प्लान एकदम से ही बनाया कि जाना है या नहीं जाना है, तो हमारे सब रेडी तो हो चुके थे, हम खाना वाना हमारा सब कुछ पैक था, और ये बैग पहन के मम्मी से पूछ रहा है किधर जाऊँ किधर जाऊँ किधर जाऊँ, बैग पहनने के बाद हमें बैग पहनने तक कन्फर्म नहीं था, अब मम्मी पूछ रही है कि बताओ कहाँ है, इनसे दिल्ली जाते ना, वो हमारा दिल्ली वाला प्लान 3.5 घंटे का, तो देखो मुझे ऐसा लगता है जाने जाने का, जाने का घंटा आने का हो गया 7.5 घंटे का, तो आने जाने का ही टाइम हो जाता है उसमें। और वो ट्रेड फेयर इतना बड़ा लगा हुआ है, इतना बड़ा कि वो ना एक दिन में कवर नहीं हो पा रहा है, तो 1 या 2 घंटे में तो कवर बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए हम बहुत बड़ा था वहाँ, तो इतने सारे उसके थे कंट्रीज के जगह कवर जैसे भी करा, मतलब और कोई जगह तो समझ में आई नहीं, हम इतनी जगह गए नहीं है ना, तो इतनी पता भी नहीं है, हस्तिनापुर थोड़ा सा देखा हुआ था, अकेले जा सकते थे तो ले आए, पार्टी देखा हुआ था, जाना यहाँ वहाँ ले जा रहे कि वहाँ बचपन में मैंने वहाँ देखा था, कहीं रास्ता चेंज हो गया, अब तो घूमा है, लगभग दिन की होगी 3-4 हजार 5 हजार, मेरी खत्म नहीं हो रही, लेकिन अरे इसे खा के अब लग रही ठंडा लगता है, जैकेट निकाल दो बस लेते हैं, लेकिन बस तो खाली पड़ी है, एक ही बस है और वो भी खाली है, मेरे ख्याल से आधे टाइम पे हमको ऐसी भी बस मिल गई लगता है। ओ ओ ओ ये बात है।